छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन संघ ने बैकुंठपुर घड़ी चौक में मशाल रैली निकालकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को जगाने का काम किया है। उनका कहना है कि सरकार ने 9 माह बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो कर्मचारी संघ बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। बैकुंठपुर घड़ी चौक में उद्बोधन के दौरान कर्मचारी संघ ने कहा कि विधानसभा चुनाव पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हम सब की मांगों को शामिल किया है, लेकिन आज तक सरकार ने 9 माह पूर्ण होने के बाद भी उनके विभिन्न मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। 7% अपने डीए की मांग, गृह भत्ता, 240 दिवस के अर्जित अवकाश में वृद्धि कर अन्य मांग थी। 27 सितंबर तक छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन संघ की मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारा जो आंदोलन था ये चौथा चरण था, तीसरे चरण का आंदोलन है। हम लोगों का 4 चरण का आंदोलन है। हमारी मांगे पूर्ववत हैं। हमारा जो डीए 7% अभी तक लॉन्च है, इसको हम लोग प्रथम मांग के रूप में रखे हुए हैं। दूसरा मांग हमारा था कि जो हमारा गृह भाड़ा भत्ता है जो केंद्र के समान दिया जाए, उसकी हमारी मांग रही है। तीसरा जो हमारा 240 दिनों का जो दिवस अर्जित अवकाश का था, उसको हम लोग 300 दिन का उसको किया जाए। और चौथी हमारी मांग जो है वो 4 स्त्री वेतन मांग, जो कि इनकी घोषणा पत्र में था, कि हम लोगों को कोई नई मांग नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना मोदी गारंटी योजना के नाम से घोषणा पत्र जारी किया था, जिसको सरकारी कर्मचारियों ने हाथों हाथ लिया और उनको सत्ता की चाबी सौंपी। अब हम लोग आशा करेंगे कि 2 से 3 महीने में सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब उस समय कहे थे कि डीए जो है कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है, और सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा था, जिस पर वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। उनका जो घोषणा पत्र था उसके संयोजक थे माननीय सांसद विजय बघेल साहब, उन्होंने खुलकर के कहा है कि कर्मचारियों की जायज मांग है और उसे कर्मचारियों को तत्काल दिया जाना चाहिए। अगर कर्मचारियों की मांगों को नहीं दिया जाता है तो कर्मचारियों के आंदोलन में मैं स्वयं सहभागी हूँ। तो